हे भैया, आज हम खेलेंगे ग्रैनी 3 का बार्बी मोन। बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। आओ तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पे न्यू होना तो सब्सक्राइब भी कर देना यार। और बनना, ये लोग अच्छे लोग हैं, लाइक से सब्सक्राइब भी कर देंगे। और तो चलो दोस्तों, गेम हमारी शुरू हो गई है। अरे बिल्ले के बच्चे, ये तुम कौन सी पुरानी हवेली में लेके आ गए मुझे? मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। अरे मैं तुम्हारे साथ में नहीं आ रहा बुआ, क्योंकि यहाँ पे बार्बी ग्रानी और बार्बी ग्रैंडपा भी रहते हैं ना, मेरी बैंड बजा देंगे। अरे वो ऊपर की साइड में तो देखो बुआ, ग्रैंडपा का बच्चा हमें कैमरे में से देख रहा है क्या? ए भाओ, तुम्हें आखिरकार में इतना ही डर लग रहा था तो हमारे साथ में कहा आओ। और मेरा ये देखो, दरवाजा भी बंद हो गया। और भाओ, अभी तेरी तो फट रही होगी ना? आओ, अरे बिल्ले मैं तुझे क्या ही बताओ, मेरी तो फट के फ्लावर हो गई। अरे बुल्ला, मुझे तुम्हारे साथ में नहीं आना, क्योंकि यहाँ पे ग्रैंडपा है ना, वो गन लेके आता है तो मेरी तो बैटरी बच जाती है क्या? और ये क्या मिलना, और ये ब्रिज भी तो ऊपर ही साइड में हो गया। और मिलना, अब आएगा मजा। और आने दो ग्रैंडपा की ऐसी की तैसी। आओ, अरे बिल्ले क्या बकवास करो, ग्रैंडपा तेरे को मारेगा ना, फिर तेरी ऐसी की तैसी हो जाएंगे, देखना बुआ। घर के अंदर मत जाओ। अरे बिल्ले मैं बोल रहा हूँ, घर के अंदर मत जाओ, ग्रैंडपा आगे पीछे। अरे देखो बुआ देखो, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। अरे मम्मी, अरे ओ। ग्रैंडपा ने जोर से गोली मारी और मेरी तो हड्डी पसीख हो गई। और पर कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आ गया फौजी और अपना 2.5 किलो काट लेके ग्रैंडपा की खोपड़ी तोड़ने के लिए। और जल्दी से यहाँ से लॉक पिन को उठाऊंगा और ये वाला दरवाजा तोड़ डालूंगा, फोड़ डालूंगा, नींबू की से निचोड़ डालूंगा। हाँ भैया, बिल्कुल सही बोला आपने यार। तो फिर देख इस बात की भैया, जल्दी से लॉक को तोड़ डालो और उसके बाद में लॉक को खोल के जाएंगे बाहर और ग्रैंडपा से मुलाकात करेंगे और उसकी गन को भी हम चुरा लेंगे बड़े ही आराम से यार। और रुको मना रुको, अंदर की साइड में फायर वुड पड़ा है, उसको भी जरा ले ले। और ये हड्डी तो देखो, पता नहीं कितने दिनों से खाया पिया नहीं होगा। और मुझे लगता है ग्रैनी की बच्ची ने ऐसे ही मार डाला होगा और बिना खाना पानी दिए। हाँ भैया, बात तो बिल्कुल सही बोली यार। अब चलो भैया, ग्रैनी की तो ऐसी की तैसी करते यार। कहाँ गई ग्रैनी की बच्ची? अरे ये क्या भैया, ग्रैनी का नाम लिया और जल्दी से छुपो यार, वरना ग्रैनी की बच्ची ऐसा डंडा मारेगी ना कि जिंदगी भर में याद रहने वाला है यार। और मुन्ना तू खामा का टेंशन लिया जा रहा है, और तेरा बड़ा भैया है ना, और जब फौजी हो साथ में और तो फिर टेंशन लेने वाली क्या बात। और ये दरवाजा बंद करूंगा और पतली गली से उसको चकमा देके भागूंगा मुन्ना। आओ, अरे बिल्ले तूने क्या चकमा दिया? अरे अब ग्रैनी की बच्ची तेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि तुमने उसको चकमा दे दिया ना। अरे ये क्या बुआ, ये तो तेरे सामने आ रही है। अरे क्या करेगा बुआ, जल्दी जल्दी भागो क्या। हे भैया, हमें जल्दी से कोकोनट को ढूंढना होगा यार, क्योंकि इसके अंदर से हमें वेपन की मिलेगी और वेपन की से भैया हम उस गिलोल को भी ले लेंगे यार, तब जाके भैया हम ग्रैंडपा की गन को चुरा सकते हैं यार। ओ यार मुन्ना, वो तो मैं भी जानता हूँ। और ये देखो मुन्ना, मुझे इसके अंदर से प्लैंक मिला, और ये प्लैंक को भी हमें ऊपर की साइड में लगाएगी ना, और तो वहाँ से हमें केबल मिल जाएगी जनरेटर वाली। हाँ भैया, वैसे बात तो आपने बिल्कुल सही बोली है यार, मगर भैया सबसे पहले हमें ग्रैनी और ग्रैंडपा को उड़ाना होगा यार, तब जाके भैया हम अपना सारा काम कर पाएंगे यार। ओ यार मुन्ना, और वो देखो सामने ग्रैंडपा का बच्चा यहाँ से जा रहा है। और मुन्ना यही है मौका चौका मारने का, और जल्दी से ऊपर वाली खिड़की को तोड़ेंगे, और खिड़की नहीं दरवाजा तोड़ेंगे। और खुल जा सिम, जल्दी से खुल जा। अरे बिल्ले के बच्चे, ये दरवाजा इतना स्लो स्लो क्यों खुलता, मेरी तो दिमाग की दही हो जाती है। चलो इस प्लैंक को यहाँ पे प्लेस करो और जल्दी से कोकोनट को फाइंड करते हैं क्या। हे भैया, इसी वाले रूम में पड़ा होगा कोकोनट, देखा ना भैया मैंने बोला था ना यार। और मुन्ना तेरी बातों सच निकली, और चलो मुन्ना कोकोनट को लेकर नीचे जाते हैं। और मगर ये क्या मुन्ना, ग्रैंडपा का बच्चा तो इधर नीचे ही है, और ये तो हमको ही झांक रहा है मुन्ना। अरे बिल्ले उसके सामने मत देखो, वरना वो तेरे को किल कर देंगे। अरे देखा ना बुआ, मैंने बोला था ना, उसने तो ऊपर की साइड में गन की गोली मारी क्या। और मुन्ना ये तो मुझे पता ही नहीं था, और के ग्रैंडपा ऊपर की साइड में भी मार सकता है। हाँ भैया, मुझे पता था यार, वो ऊपर की साइड में भी मार सकता है यार, इसीलिए तो भैया आप उससे बच के रहना, वो बहुत ही खतरनाक ग्रैंडपा है यार, आपकी बैंड बजा देंगे यार। ओ चलो ठीक है मुन्ना, अभी से याद रखूंगा। और ये क्या मुन्ना, वापस आ गया, और छोड़ दे ग्रैंडपा, छोड़ दे, और यहाँ से नीचे गिरता हूँ। और मुन्ना बाल बाल बच गया, और जान में जान, और सांस में सांस आई मुन्ना। हाँ भैया, अब तो बाल बाल बच गई और वो ना ग्रैंडपा आपकी ठके ठकी कर देता है यार। अब चलो दोस्तों, जल्दी जल्दी से सामान खोजते यार। और
करना ये कि मुझे यहाँ से माचिस मिली और ये माचिस भी बड़ी काम की चीज है और इसको यहाँ पे रख देता हूँ लिफ्ट के अंदर और मुन्ना बाकी सारी चीजों को फाइन करते है। हाँ भैया इस डोर को खोलो यार। वाह भैया वाह आपको तो सेफ्टी मिली। अरे ये क्या मम्मी यहाँ पे तो ग्रैनी की बच्ची घूम रही है। और चुन्नू कहकर तू मेरा छोटा भाई है और तू ग्रैनी से कैसे डर सकता है। और डरने का नहीं मुन्ना और सामना करने का डर के और तब जाके ग्रैनी भागेगी। आजा बुढ़िया आजा और तेरी ढकट की नाकी ना और तो मेरा नाम भी ढाई किलो वाला फौजी नहीं फौजी। हाँ भैया वो तो मैं भी देखूंगा यार मगर भैया अभी यहाँ से मैं जल्दी से सेफ लॉक की को ऊपर लेके जाना होगा यार। और मुन्ना टेंशन मत ले और मैं हूँ ना ऊपर जाऊंगा और सीधे ग्रैंडपा को भी तोड़ डालूंगा फोड़ डालूंगा। और मुन्ना चलो यहाँ पे ग्रैंडपा का बच्चा तो नहीं है ना और चलो मुन्ना अच्छा है कोई भी नहीं और यही है मौका चौका मारने का। ओ अरे मिले चौका नहीं ये तो टाइम है छग्गा मारने का। और तुझे तो यहाँ से क्या मिला बोला। अरे तुझे तो यहाँ से ब्रिज क्रैंक मिला बोला। अरे ये तो कमाल की चीज मिल गई क्या। हे भाओ बिल्कुल सही बोला यार अभी भैया ये ग्रैनी की बच्ची तो नहीं आएगी ना यार। तब तो भैया यहाँ पे सारी सामान समेट के यहाँ से नीचे डाल देते यार। ओ यार मनोज कोकोनट को भी हमें नीचे लेके जाना है और मनोज को भी काटना है ना। हाँ भैया काट लेके यार मगर ये क्या भैया ग्रैनी का सामना करो यार। ग्रैनी बुढ़िया सामने। अरे ये क्या भैया यहाँ पे तो स्लेंडरना बेबी की बच्ची भी आ गई यार। और ये मैं कहाँ पे छुपे जा रहा हूँ। ओए मुन्ना मेरा तो दिमाग का बाजी पाला कर दिया स्लेंडरना बेबी ने। ओ अरे बिल्ले के बच्चे तो तेरी नसीब बच्ची है नहीं तो ग्रैनी की बच्ची है ना वो तेरा पीस पीस कर टीमा निकाल देती। अरे ये क्या बउआ तुझे तो नारियल काटने से वेपन की मिल गई। अरे वाह रे वाह बउआ मजा ही आ गया। अरे तुमने तो मौज करा दी बउआ। ओए बाप के बच्चे चुप कर जा। ओए क्या खाक मैंने मौज कराई। ओए यहाँ पे तो ग्रैनी की बच्ची आ गई है और मुझे अभी अंदर जाना होगा। ओए मगर मुन्ना अभी स्लिम शॉट को लेने से पहले मुझे यहाँ से पत्थर को भी लेना होगा ना। ओए पत्थर मिल जाए तो मजा आ जाए। हे भैया ये लो यार आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो गई आपको तो यहाँ से स्टोन मिल गए यार। और मुन्ना अब आएगा मजा। और भी आने दो ग्रैनी को। ये क्या और ये स्लेंडरना बेबी बार बार मेरे को तंग क्यों कर रही है मुन्ना। और दिमाग का दही कर दिया अभी जल्दी से जाऊंगा ऊपर की साइड में। और मुन्ना यहाँ पे ग्रैंडपा तो नहीं है ना। और ग्रैंडपा तू कहाँ है। और मुझे बहुत ही डर लग रहा है। और मम्मी ये क्या और बार बार बच गया मुन्ना ग्रैंडपा ने मैं देखा नहीं है इसका मतलब। और लगता है ग्रैंडपा सोने के लिए जा रहा है और हमारा काम हो गया। और मुन्ना हमें तो ऐसे ही शॉटगन मिल गई। और ग्रैंडपा के बच्चे अभी तेरी ढकड़ी की गर्वा ये ले और खा मेरी गोली कैसा लगा मेरा शॉट। औ अरे बिल्ले के बच्चे क्या तो बात। अरे क्या तो क्या शॉट मारा बउआ। अरे मम्मी ये क्या यहाँ पे तो ग्रैनी की बच्ची भी आ गई। अरे मारो ना इसके और मुन्ना दोनों को एक साथ में ढेर कर दिया। और कैसा लगा बुढ़िया मेरा शॉट और फौजी का शॉट कभी। और ये क्या और ये स्लेंडरना बेबी पता नहीं कहाँ से आ जाती है मुन्ना। हे भैया ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई और के बिना मेहनत किए भैया आपको यहाँ से शॉट गन मिल गई और ग्रैंडपा की शॉट गन। और हाँ मुन्ना ग्रैंडपा की शॉट गन एकदम कड़क वाली शॉट गन। और जल्दी से एमो को रिलोड करता हूँ। अब आजा बुढ़िया बुढ़िया और कहाँ गए तुम दोनों। हे भैया अभी अभी तो आपने मार डाला ना यार। फिर भैया क्यों बुला रहे हो यार वो तो अपने आप ही स्पॉन होके आ गई। अब जल्दी से भैया इसको लगाओ निशान आओ ये लोटा नीचे गिर गया और अभी दूसरे वाले लोटे को भी गिराना होगा यार। और मुन्ना इसको तो ये ले। और ये क्या मम्मी और मेरा निशाना चूक गया मुन्ना। ओ अरे बिल्ले के बच्चे अभी तेरा निशाना कैसे चूक गया। तुम तो फौजी हो ना फौजी। अरे फौजी हो के ऐसा निशाना क्यों चूक जाते हो क्या। और चूक कर ये लो और दूसरी बार मेरा निशाना सही लग गया। हाँ भैया ये हुई ना होगी डॉन वाली बात। अब चलो भैया जल्दी जल्दी से गन को यहाँ पे फटक डालो और भैया इस लोटे को यहाँ से नीचे फेंक डालो यार। और मुन्ना ये ले मैंने लोटे को नीचे फेंक डाला और भी ग्रैनी ग्रैंडपा पता नहीं कहाँ से आएंगे। और मुन्ना आने दो उनको छोड़ूंगा नहीं और गन को वापस इधर रखता हूँ और ये लोटे को मैं यहाँ से नीचे लेके जाना होगा मुन्ना। हाँ भैया एक बार इसे यहाँ से नीचे गिरा दो यार उसके बाद में भैया हमारा नीचे वाला काम एकदम आराम से करेंगे यार। ओ यार मुन्ना पता नहीं ग्रैंडपा ग्रैनी कहाँ गए। और आ जाना बुढ़ी बुढ़िया और तेरी बैंड ना बजाए ना तो आज मेरा नाम भी फौजी नहीं फौजी। हाँ भैया मगर आप एक काम तो भूल ही गए यार ऊपर वाले कौवे को तो मारना ही भूल गए यार। और चुन्नू कहेगा उसी को तो मारने के लिए ऊपर की साइड में जा रहा हूँ और कौवे के बच्चे में आ रहा हूँ ढाई किलो का हाथ लेके। अरे ढाई किलो का हाथ लेके नहीं बउआ ढाई किलो की गोली मारो क्या।
और माँ डला तो डला फो डला और मुझे यहाँ से सैड की मिली मुन्ना। हाँ भैया ये तो काफी अच्छी बात हो गई, और यानी कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी ऑन हो जाएगी और हम लिफ्ट की मदद से ऊपर नीचे आ सकते हैं। और ओ यार मुन्ना, मगर इसके लिए तो हमें जनरेटर वाली केबल चाहिए ना। हे भैया आप भूल गए क्या यार, जनरेटर वाली केबल तो हमने पहले से ढूंढ के रखी है। और चलो भैया स्लेंडिना बेबी के रूम में चलते हैं यार, क्योंकि भैया एक लोटा हमने यहाँ पे गिराया था ना, उसको भी तो उठाना है ना यार। ओ यार मुन्ना ये तो मैं भूल ही गया था। और चलो दोस्तों यहाँ से अभी नीचे जाएंगे, और ये पता नहीं ग्रैनी ग्रैंड पर कब उठ जाए मुन्ना, और जल्दी से हमें गन को भी रिलोड करना होगा। ओ, अरे बिल्ली के बच्चे, ये तुमने ग्रानी के साथ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मुझे लगता है ग्रैंडपा का बच्चा है ना, वो बल्ला लेने के लिए जरूर से वापस आएगा और तुमको गन की गोली मारेगा। इसके क्या ए भाव, वो तो देख लेंगे। और ये क्या मुन्ना, भैया ये क्या हो गया। और बाप की कही बात तो बिल्कुल सही निकली, और ग्रैंडपा के बच्चे ने तो अपने हाथों से मुझे लाफा मारा। और ओए मुन्ना इसकी बार में छोड़ूंगा नहीं, ओए आने दो ग्रैंडपा को। और ये बाप का बच्चा पता नहीं बीच में कहां से बोल गया, और उसकी बातों सच निकल गई मुन्ना। ओ अरे बल्ला, मैंने तो तुम्हें पहले से ही बताया था कि तुमने ग्रानी का मर्डर किया है ना, तो तुम्हें ग्रानी छोड़ने वाली नहीं है। अरे ग्रानी नहीं बल्ला, मैं तो भूल ही गया, अरे ग्रैंडपा छोड़ेगा नहीं इसके उस क्या। हे बाप, अगर ऐसी बात है ना तो इस बार में तो हम ग्रानी और ग्रैंडपा को दोनों को एक साथ में मारेंगे, और फिर देखता हूँ यार कि ग्रानी बल्ला लेने के लिए आती है और या फिर ग्रैंडपा बल्ला लेने के लिए आता है। और ओए मुन्ना अभी तो ग्रानी आ गई, और लगता है ग्रानी को चकमा देना पड़ेगा। आजा बुढ़िया आजा। और पता नहीं ये ग्रानी की बच्ची हमारे सामने कहाँ से आ गई। और मुन्ना हम तो ऊपर अच्छे से जा रहे थे काम करने के लिए। अरे बल्ला, इसका सामना तो करना ही पड़ेगा ना, इसके बाद में ग्रैंडपा का भी सामना करना पड़ेगा। अरे आजा ग्रानी आजा, मुझे डंडा मार के दिखा, तब मैं मानूंगा कि तुम असली वाली प्रो वाली ग्रानी हो। क्या और मम्मी जी पापा जी आ गया, ग्रैंडपा आ गया, और पीछे की ग्रानी भी आ गई। खोलो दरवाजा और छुप जा मुन्ना छुप जा। और बाल बाल बच गया, और मुन्ना तो मेरी बैटी बजाती, और मुन्ना ग्रैंडपा मेरा भेजा निकाल देता और मुझे चैन की नींद भी सुला देता मुन्ना। अरे बिल्ले कैसी बकवास करो, अरे ग्रानी और ग्रैंडपा को यहाँ से जाने दो, उसके बाद में हम भी उसका पीछे करते करते ऊपर जाएंगे और दोनों की ठक ठकी करेंगे। पर ये क्या बल्ला, उसके पास तो गन है, तुम उसको कैसे मारोगे बल्ला, उसको मारना तो बहुत ही ज्यादा हार्ड है। इसका क्या और बाप के बच्चे, तुझे पता नहीं है फौजी के डिक्शनरी में और हार नाम की कोई चीज ही नहीं है। और आने दो ग्रानी ग्रैंडपा को, दोनों को एक साथ में मारूंगा, सातों को एक साथ में मारूंगा मुन्ना। हाँ भैया वो तो मुझे भी पता ही, और मगर ये क्या भैया, यहाँ पे तो आपने ही ग्रानी के कांटे में फंस गए। और भागो भैया भागो, अरे भैया बाल बाल बच गए, और वरना ग्रानी के कांटे के साथ में ग्रानी का डंडा भी खाना पड़ गया। और ओए मुन्ना मैं देख रहा हूँ तू कब से बकवास किए जा रहा है, और तू ग्रानी के साइड में या मेरी साइड में, और तू मेरा भैया होता तो ऐसी बात नहीं करता। और देखना मुन्ना तो ग्रानी की कैसे बैठ जाता हूँ, और आजा बुढ़ी आजा, और पीछे से और चकमा देके भागूंगा। अरे बिल्लो ये तो तुमने अच्छा चकमा दिया, मगर ऊपर की साइड में ग्रैंडपा है ना, उसका तुम क्या करोगे। अरे ये क्या मम्मी, मुझे लगता है ग्रैंडपा का बच्चा अभी अभी यहाँ से सो के चला। अरे जल्दी जल्दी से यहाँ से अपने स्लिम स्लॉट को ले लो। और ये देखो मुन्ना मेरे हाथ में आ चुकी है स्लिम स्लॉट। और ये क्या मुन्ना ग्रानी आ गई, और ये ले ग्रानी। और कैसी लगी मेरी पत्थर, और अच्छी लगी ना, और इसकी स्वाद कैसी थी। ओ अरे बिल्ले के बच्चे, पत्थर की कैसे स्वाद आ सकती है, क्योंकि ग्रैंडपा को तो पता ही नहीं कि उसकी हमने ग्रानी को मार डाला। पता नहीं बल्ला अभी ग्रैंडपा क्या सोच रहा होगा, वो हमको मारने के लिए इधर ही हमारा पीछे करते करते आ जाएंगे बल्ला। उससे पहले हमें जल्दी जल्दी से यहाँ से स्टोन को इकट्ठा करके जाना होगा उसको मारने के लिए। टेंशन मतलब यार अभी आने दो ग्रैंडपा को, ग्रैंडपा की भी ऐसी की तैसी यार। ओए हां मुन्ना बिल्कुल सही बोला, ओए ग्रैंडपा को आने दो, उसके बाद में उसकी तो ऐसी की तैसी। ओए कहां गया ग्रैंडपा, ओए फौजी आ गए दोबारा। ओए ये क्या मुन्ना, ओए ये ले, ओए बोला था ना बच्चू, ओए मैंने ग्रैंडपा को हेडशॉट लगा दिया। ओए आ जाओ मेरे हाथ में, ओए ये गन तो मेरे हाथ में ही अच्छी लगती है मुन्ना। हाँ भैया वो बात तो बिल्कुल सही बोली यार, मगर भैया इसके अंदर तो गोली भी नहीं है, और गोली को कहाँ से लाओगे यार। और चुन्नू कहेगा मुझे पता है गोलियाँ कहाँ से मिलेगी, और मुझे लगता है गोलियाँ हमें नीचे की साइड में से मिलने वाली है। और तो चलो दोस्तों देर किस बात की, अगर दोस्तों आपने वीडियो यहीं तक देखी ना, और तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करो। अरे यार भैया आप ही ने तो बताया था ना यार, ये लोग अच्छे लोग हैं यार, ये लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे यार। इन लोगों को बार
बार बार बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ओए हाँ मुन्ना, ये तो मैं भूल ही गया, मैंने बताया था। और चलो कोई बात नहीं मुन्ना, अब जल्दी से इस पानी वाले लोटे को और बेसमेंट वाली जगह में लेके चलते हैं, और वहाँ पे हमें वेट को बढ़ाना होगा, तब जाके हमें वहाँ से की मिलने वाली है मुन्ना। ओ अरे बिल्ला, इसके बाद में तुझे दूसरा वाला लोटा है ना, उसमें भी तो पानी भरना होगा। और बाप के बच्चे मुझे पता है, और फौजी को सिखाने की कोशिश मत कर, और इस लोटे को मैं यहाँ पे रख दूंगा मुन्ना, अभी दूसरे वाले लोटे को भी और लेने के लिए चलते हैं मुन्ना। ओ अरे बिल्कुल सही बोला बुआ, मैं तो तुम्हें ऐसे ही बता रहा था। अरे मैं कहाँ पे ज्ञान की बातें करता हूँ बुआ, मैं तो तुम्हें सच बता रहा था ना। क्या चलो ठीक है बाप, कोई बात नहीं यार, भैया की तुमने हेल्प की ना, ये तो बहुत ही अच्छी बात है यार, भैया आप उसको बोलो मत यार। और चलो ठीक है मुन्ना, नहीं बोलता, और ये दूसरा वाला लोटा पकड़ा और इसके अंदर भी पानी को भर देता हूँ, और वापस से मुझे उसी जगह में जाना होगा, इस लोटे को वहाँ पे दूसरी जगह में रखना होगा, और तब जाके नीचे की ओर में से हमें की मिलने वाली है मुन्ना। ओ अरे बिल्ले तुझे कैसे पता, उसके अंदर से तो कुछ भी मिल सकता। अरे तुम भूल गए कि आज क्या, और मुझे पता है सब, और क्या मिलने वाला है मुझे भी नहीं पता, और देखते आखिरकार में क्या मिलता है। और ये लोटे को मैंने यहाँ पे रखा, और ये क्या स्लेंडरना बेबी आ गई वापस से मुन्ना। अरे बिल्ले कैसी बकवास कर रहा हो, ये स्लेंडरना बेबी का घर है तो स्लेंडरना बेबी तो आएगी ना, तुम भी कैसी बकी बकी बातें कर रहे हो क्या क्या। हे बाब, अभी ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो यार, भैया जैक को सब पता है यार। और चलो भैया अभी जल्दी जल्दी से गन को भी रिलोड करना होगा यार, क्योंकि ग्रैनी और ग्रैंडपा जागने वाले हो गए यार। और यार मुन्ना, उन दोनों को जागने से पहले जल्दी से हमों को ले लेता हूँ। और कहाँ गए ग्रैनी ग्रैंडपा, और आ जाओ तुम दोनों, और फौजी तुम्हारा इंतजार कराए बेसब्री से। और चलो दोस्तों, अभी यहाँ से सैडी की को लेके और ये वाला लॉक तोड़ेंगे, और खुल जा सिमचिम, इसके अंदर क्या है। और मुन्ना यहाँ पे तो टेडी बियर है मुन्ना। ओ अरे बिल्ले के बच्चे, उस टेडी बियर को हाथ मत लगाना, पहले इस जनरेटर वाली केबल को लगा दो, उसके बाद ना। अरे मम्मी ये क्या, यहाँ पे कौन आई थी इसके, क्या। और मुन्ना स्लेंडरना बेबी की बच्ची भी पता नहीं कहाँ कहाँ से स्पॉन हो जाती है। और यहाँ से मैंने जनरेटर को ऑन कर दिया, अभी यहाँ से बिजली की कनेक्शन ऑन हो गई है, इसका मतलब मुन्ना मैं यहाँ लिफ्ट के अंदर से ऊपर नीचे जा सकते हैं मुन्ना। अरे भैया टेडी बियर को नीचे फेंको यार, वरना ग्रैनी आपको मार डालेंगी यार। और मुन्ना टेंशन मत ले, और ये लगाई मैंने हेडशॉट, और मुन्ना हो गई ना उसकी पट से हेडशॉट। हाँ भैया वो तो सही है यार, मगर भैया टेडी बियर को अपने हाथों में ज्यादा देर तक नहीं रखते यार, वरना ग्रैनी ग्रैंडपा कभी भी हमारे पास में आ सकते यार, और हमारा सर फोड़ सकते यार। ओह यार मुन्ना वो भी बात सही है, और मगर मैं उसको जरूर पकड़ूंगा, क्योंकि मुझे ग्रैंडपा को भी यहाँ पे बुलाना है। और पागल बूढ़े ग्रैंडपा, और कहाँ गया तू, जल्दी से मेरे सामने आ जा, और फौजी तेरा इंतजार कर रहा है, और मुझे लगता है मुन्ना यहाँ पे नहीं आने वाला। यही तो फिर चलो ना भैया, देर की इस बात की यार, लिफ्ट की बड़ी आराम से सैर करते यार, मुझे लिफ्ट में बैठना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है यार। अरे बिल्ले लिफ्ट को रुकवा दो, वरना मेरे को उल्टी हो जाएंगी, अरे मुझे तो उल्टी आ रही है। आओ आओ, और मुन्ना मैंने तो तुम्हें पहले से ही बताया था, और इस पागल बाप को अपने साथ में मत लेके आया करो, और पता नहीं सारा मूड खराब कर देता है। आओ, अरे बिल्ला मैं तो सच बोल रहा था। अरे मम्मी ये क्या, यहाँ पे तो स्लेंडरना बेबी स्पॉन हो गई। अरे क्या लग रही है स्लेंडरना बेबी, मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या क्या हे बहुत, ये भूतनी है और ये आत्मा तुझसे शादी नहीं करेंगी। ए, देखो ना भैया, स्लेंडरना बेबी ने हमें पेड लॉक की दी और बॉब की तो शादी हम बाद में तय करेंगे। भैया सबसे पहले भैया नीचे की साइड में बेसमेंट में जाएंगे और पेड लॉक की को लगा के पेड लॉक को तोड़ डालेंगे। और हम मुन्ना भी ग्रैनी ग्रैंड पर तो नहीं आएगी ना, और वो आ गई ना तो सारा खेल यहीं पे रफा दफा हो जाएगा। अरे बिल्ला वो तो मुझे भी नहीं पता कि ग्रैनी ग्रैंड पर आएगी कि नहीं आएगी, उससे पहले बिल्ला जल्दी जल्दी से पेड लॉक को तोड़ डालो, नहीं तो बिल्ला तुम्हारी ठक ठकी कर सकती है क्या। और मुन्ना खोल दिया, और हमें यहाँ से फ्यूज भी मिल गया, अब जाके सीधा उसको ऊपर की साइड में लगा देंगे और हमारा काम तमाम हो जाएगा, और हम यहाँ से निकल जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। हे भैया यानी कि हम बार्बी ग्रैनी और बार्बी ग्रैंडपा के घर से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएंगे। और मुन्ना इस ग्रैनी का नाम लिया, और ये बुढ़िया यहाँ पे हाजी भी हो गई, और देखा मुन्ना उसका सड़ा हुआ मुँह लेके आ गई। अरे बुआ उसका सड़ा हुआ मुँह नहीं, सड़ा हुआ मुँह तो तेरा है बुआ, क्योंकि तू उसके सामने गया थाना क्या। ओए मुन्ना इसको बोल ना, तू कुछ तो बोल, वरना मैं उसकी पैर बजा दूंगा 2.5 किलो का हाथ मार के। ओ अरे बिल्ला मैं ही तेरे को 2.5 किलो का हाथ मार के तोड़ डालूंगा, मेरे पास भी तो 2.5 किलो का हाथ है ना क्या। हे
भैया आप बॉब से फालतू की बकवास मत करो यार। आप भैया अपने काम पे ध्यान दो यार। देखो ना देखो भैया ग्रैनी जा रही यार, उसको जल्दी से वापस बुलाओ यार। आ जाओ ग्रैनी आ जाओ। ओए शाबाश मुन्ना शाबाश। ओए इस बुढ़िया ने तो आवाज सुन ली। ओए ये रही मेरी एमो। ओए इसको भी रिलोड कर दिया। ओए आ जा ग्रैनी आ जा। ओए ये ले। ओए कैसी लगी मेरे चटाके पटाके वाली गन? ओए मजा आ गया ना? औ अरे बिल्ले क्या बात है, एकदम ठक ठकी करने वाला मजा आ गया। अब चलो दोस्तों जल्दी से यहाँ पे फ्यूज को उठाते और फ्यूज को ऊपर वाली मशीन के अंदर डाल देंगे। उसके बाद में हमारा सारा काम तमाम हो जाएगा और बड़ी आराम से हम यहाँ से निकल भी जाएंगे। पर ये क्या मम्मी, ग्रैंडपा का बच्चा तो फिर से आ गया। और मैंने ये ग्रैंडपा पता नहीं कहाँ से आ जाता है, चुन्नू कहकर। और ये ले और खा मेरी गोली। और पता नहीं सड़ा हुआ मुँह लेके आ जाता है मेरे सामने। और अब हो गया ना तेरी ढकटकी। अब चलो दोस्तों जल्दी से फ्यूज को ऊपर वाली मशीन के अंदर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वाली मशीन के अंदर लगा के आते हैं। और उसके बाद में मेरा मेन डोर का गेट भी तोड़ डालेंगे, फोड़ डालेंगे। और ये लगाए फ्यूज, ये मेरे गेट का दबन दबन। ए भैया उसे दबन नहीं यार, बटन बोलते है बटन। और सॉरी सॉरी बुना, गलती गलती में उधर उधर हो जाता है। और तू टेंशन मत लिया कर, अभी चलते है नीचे की साइड में और देखते है और हमारा गेट खुला है या नहीं। हाँ भैया गेट तो खुला ही होगा ना यार, क्योंकि ना आपने बटन दबाई थी ना। अब तो हमारा काम हो जाएगा यार। सिर्फ भैया इस ब्रिज क्रेन को लगा के हम यहाँ से बड़ी आराम से ग्रैनी और ग्रैंडपा के घर से हमेशा हमेशा के लिए भाग जाएंगे यार। ओ यार मुन्ना ब्रिज क्रेन को यहाँ पे लगा देता हूँ। ओ ये घुमाया मैंने ब्रिज क्रेन। ओ जल्दी से अपना ये पुल नीचे आ जाए, उसके बाद यहाँ से भाग जाएंगे मुन्ना। हे हम तो भाग गए भैया। हे भैया क्या बात है, हमने तो यहाँ से इस गेम को कम्प्लीट कर दिया यार। और मुन्ना क्या बात है, मैंने इस गेम को कम्प्लीट कर दिया। और शानदार और जबरदस्त और जिंदाबाद मुन्ना। हे भैया बार्बी ग्रैनी का मुंह देखो। हे बार्बी ग्रैंडपा का मुंह भी देखो, स्लेंडरना बेबी को भी देखो यार, एकदम सड़ा हुआ मुंह लेके आ गई यार। और मुन्ना क्या बात है, हमने इस गेम को कंप्लीट कर दिया। और तो चलो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। और आज का शाउट आउट मेरी तरफ से यानी कि फौजी की तरफ से 2.5 किलो शाउट आउट। अरे क्या बात है बल्ला, तूने तो बार्बी ग्रैंडपा और बार्बी ग्रैनी और उसके साथ में उसकी बेबी स्लेंडरना को भी टाकी टिकी कर दिया। तो चलो दोस्तों इसी गुस्से में बलवान बाप की तरफ से आप सभी को टाकी टिकी और इसके वजह वाला शाउट आउट। तो चलो दोस्तों अभी द डॉन की तरफ से भी आप सभी को बड़ा वाला और वेलकम बे शाउट आउट यार। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना यार। और मिलते हैं आप सभी को इसी मजेदार वीडियो के साथ में। तो तब तक के लिए टाटा अलविदा बाय, अपना ख्याल रखना फैमिली का भी यार। और बाय बाय दोस्तों। अरे क्या लखनऊ और फैमिली का भी क्या